हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? ऐसा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी हम मॉर्निंग का टाइम और मेरा सारा काम हो चुका है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं नहाकर पूजा करके और अभी रेडी हुई हूँ। थोड़ा मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग। तो अभी मैं नहाकर फ्री हुई हूँ, नहाकर पूजा करी हूँ, पूजा करके अभी थोड़ा सा कंघी वगैरह करी हूँ और फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने। खाना में क्या बना रही हूँ? दाल चावल। अभी दाल चावल ही बना रही हूँ, सब्जी रोटी देखते हैं कि बनाएंगे कि नहीं। फिर दाल अभी रख दिया मैंने पकने के लिए, अभी सीटी आ रही है और अभी करूँगी नाश्ता। पानी मैंने पी लिया है गर्म, बस सुबह से इतना किया है। तो अभी सेबफल खाऊँगी, फिर कॉर्नफ्लेक्स खाऊँगी, इतना मेरा नाश्ता रहेगा। तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता और बनाऊँगी खाना, फिर मिलेंगे आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और पूजा वहाँ के लिए है तो पूजा को लेने जाऊँगी अभी, क्योंकि भाभी है नहीं, भाभी मैके कहीं हैं तो वो अकेले है। तो मैंने कहा चलो, मैंने अभी फ़ोन लगाया था, बोला मैंने क्या कर रही है? मैं बोली क्या कर रही हो? बोली कि अभी नहा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है, नहा उहा लो, फिर मैं आती हूँ। जब तक मैं भी नाश्ता वास्ता कर लूँ, फिर जाते हैं लेने पूजा को, फिर आकर बनाएंगे खाना, खाएँगे तो बना कर जाऊँगी, फिर आऊँगी तो खाऊँगी। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। और अभी इस समय गांव भी जाने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग और बहुत ज़्यादा तैयारी कुछ हो रहा है गांव में। क्या हो रहा है वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तो बहुत बड़ा कुछ हो रहा है तो उसकी तैयारियाँ इस समय चालू हैं। तो मेरे यहाँ घर में नहीं, मेरी दीदी के यहाँ होने वाला है कुछ कार्यक्रम, तो उसके यहाँ हो चाहे मेरे यहाँ हो, तैयारी तो दोनों घर में ही होती है। तो उसके यहाँ भी तैयारियाँ हो रही हैं, मेरे घर में भी कुछ कुछ। जैसे मेरे घर की तैयारी तो ऐसी है कि हम लोग की तैयारी कि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या लेना है, बच्चों को क्या लेना है, बस ये। और उनके घर में तो सारी तैयारियाँ हो रही हैं तो बस यही तैयारी में जुटी हुई है। मार्केट रोज जाते हैं लेकिन वीडियो बनाने के लिए भूल जाती हूँ, क्योंकि वहाँ इतना वो रहता है ना, भीड़ भाड़ रहती है, निकलना ही मुश्किल रहता है। तो मोबाइल कहाँ निकालूँ और इसलिए, और याद भी नहीं आता कई बार। तो एक आध दिन तो बनाई हूँ तो शेयर करूँगी क्या लेने गए थे और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है वो तो बाद में ही पता चलेगा गांव जाने के बाद। अभी क्या क्या शॉपिंग किया थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत दिखा दूँगी। तो बस यही है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, नाश्ता कर लेती हूँ मैं। सो गाइज, अभी हुआ है शाम का टाइम और शाम के टाइम में बच्चे आ गए हैं स्कूल से, अब चले गए हैं ट्यूशन और हमें जाना है मार्केट। मार्केट किस लिए जाना है? जाना है ये पैंट चेंज करवाने। पैंट लाए थे बच्चों के लिए, कपड़े लाए थे तो एक पैंट छोटा हो गया तो उसको चेंज करवाने जाना है। और भी कुछ काम है लेकिन ये भी काम है। तो जाएंगे अभी मार्केट, कुछ सामान लेंगे और कुछ एक्सचेंज करेंगे। तो बस रेडी होकर बैठे हुए हैं इनके इंतज़ार में कि आ जाएँ फिर जाएँ। तो चलो अभी चलते हैं, आने ही वाले होंगे। फ़ोन लगाती हूँ पहले कि कहाँ पहुँच गए। बस यही इस समय भागा दौड़ी चल रही है। तो चलो चलते हैं मार्केट पहले, फिर दिखाते हैं कि लिए क्या है। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैं दीदी और ये, हम तीनों ही जा रहे थे। और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी में गाना बज रहा था इसलिए। और बस इतने ही मैंने वीडियो बनाया था रास्ते में। और ये फिर पहुंच गए दुकान में, दुकान में एक साड़ियाँ लेने गए थे क्योंकि देने लेने के लिए चाहिए थी। तो बस अभी घर में कार्यक्रम होगा, उसमें जो बहन और बहन बेटियाँ जो आती हैं सबको देने लेने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग ले रहे थे साड़ी। कुछ कुछ तो ले भी लिए थे, पसंद कर लिए थे। और बहुत सी सुंदर सुंदर साड़ी वहाँ मिली थी और बहुत ही अच्छे रेट में मिल गई थी। और बस ये डिब्बे की जो साड़ियाँ हैं वो हम लोग ले लिए थे और ये जो येलो वाली है वो भी लिए हैं। और बस ये अभी देख रहे हैं घर के लोगों के लिए और अपन लोगों के लिए कि शायद कुछ अच्छे से पसंद आ जाए तो एक हम लोग भी ले लेंगे। तो बस पसंद आ गई थी, ले भी लिए थे। बस अब हम लोग चल दिए थे कि थोड़ा सा वो भी देख रहे थे सूट वूट कि अगर सूट मिल जाएगा तो ले लेंगे, तो लेकिन नहीं मिल पाया अच्छा तो नहीं लिए। फिर चल दिए हम लोग घर के लिए क्योंकि अब लेट भी हो रहा था बच्चे। दीदी दस ज़्यादा किलो कितने लो?
तो बहुत लेट हो गया था, शाम हो गई थी और हम लोग दोपहर में ही चले गए थे, तो भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो सिंघाड़ा ले लेते हैं, खा लेंगे। सिंघाड़ा मुझे अच्छा भी लगता है, पसंद भी है, और भूख भी लगी थी इसलिए फिर नहीं लिए। वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते जाम लग जाता। फिर आ गए होटल में, यहाँ पे लच्छा कटोरी जो चाट मिलते हैं वो ऑर्डर किया, फिर खाया और फिर गए घर। तो बस आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।